खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। पाटीदार समाज द्वारा धार सिटी मजिस्ट्रेट को कलेक्टर के नाम एवं उप पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार को पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन देकर सरदार पटेल जी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने हेतु मांग की गई, जिसमें नारायण पिता मांगीलाल निवासी बड़ोदिया द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2020 को दोपहर करीब 3 बजे बड़ोदिया ग्राम में स्थित सरदार पटेल चौक पर प्रदेश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर ईंट एवं पत्थर फेंककर प्रतिमा पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया एवं प्रतिमा के आसपास सुरक्षा के लिए लगाए गए तार एवं पोल को उखाड़कर नुकसान पहुंचाया गया एवं सरेआम धमकी दी गई कि मेरे द्वारा हर हाल में मूर्ति तोड़ दी जाएगी एवं पाटीदार समाज को देख लेने की धमकी दी, जिसके विरोध में समाज में आक्रोश व्याप्त होकर पाटीदार समाज द्वारा संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई एवं गांव में शांति बहाल रहे इस हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया तथा ज्ञापन में मांग की गई कि संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं किए जाने पर पाटीदार समाज द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में भावी आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए शासन प्रशासन स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। ज्ञापन का वाचन पाटीदार समाज जिला धार के संरक्षक एवं पाटीदार चिकित्सा सेवा संस्था के अध्यक्ष कृष्णकांत पटेल द्वारा किया गया। ग्राम बड़ोदिया में 25 तारीख को दोपहर 3 बजे नारायण पिता मांगीलाल निवासी बड़ोदिया द्वारा सरदार पटेल चौक पर सरदार पटेल जी की जो प्रतिमा स्थापित पाटीदार समाज द्वारा स्थापित की गई थी, उसे पत्थर और ईंट फेंक के नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया और उनकी प्रतिमा की सुरक्षा में गोल घेरे में जो तार फेंसिंग की गई थी, उस तार फेंसिंग को भी निकालने का प्रयास किया गया एवं पाटीदार समाज को अभद्र एवं अशब्द कहे और सरदार पटेल जी के बारे में भी गलत शब्दों का उपयोग किया गया, प्रतिमा तोड़ने की धमकी दी। सरदारपुर से मनीष चौधरी की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।